Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. I hope आप सब लोग ठीक होंगे. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my another video. So आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी पावरफुल दुआएं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको आप यकीन के साथ पढ़ते हैं तो यू विल सी अमेजिंग चेंजेस. इसके बहुत फ़ायदे हैं. बस हमें यकीन के साथ ज़रूर पढ़ना है क्योंकि हर एक चीज़ में जो उसकी तासीर है, जो एक ताकत है, वो और ज़्यादा तब बढ़ती है, कबूलियत तब बढ़ती है जब हम यकीन के साथ अल्लाह पर पढ़ते हैं. सो यस, कोई भी परेशानी है, तकलीफ है, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं ज़िंदगी की, अप्स एंड डाउन्स तो हम सबकी ज़िंदगी में ही आते हैं, लेकिन सी जब हम ये कहते हैं कि हमें हमारे रब का साथ चाहिए, रब की दोस्ती चाहिए, तो ऐसा नहीं होता कि मुश्किलें नहीं आती है. मोमिन की ज़िंदगी में भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों में उसका रब उसके साथ होता है. और जो रब साथ होता है ना जब, तो हर एक चीज़ आसान हो जाती है. बड़ी से बड़ी मुश्किल, आजमाइश, हर एक रास्ता ऐसे हो जाता है, ऐसे पार हो जाता है कि आपने सोचा भी नहीं होता. तो आप इन दुआओं को ज़रूर पढ़ें, अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, पांचों टाइम की नमाज़ों के साथ पढ़ें. बिना नमाज़ों के तो ज़ाहिर है हम कुछ भी पढ़ते रहें या हम यू नो कितना भी सदका कर दें तो वो फ़ायदा नहीं है. तो पांचों टाइम की नमाज़ें ज़रूर पढ़ें, तहज्जुद की पाबंदी एक मैं कहती हूँ वो ज़रूर करें, और ये दुआएं आप चलते फिरते पढ़ते रहें, हर नमाज के बाद पढ़ें, एंड देन सी अमेजिंग चेंजेस इन योर लाइफ इंशाल्लाह. इस वीडियो में इंशाल्लाह हम तीन दुआएं इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. उससे पहले एक चीज़ आपको ज़रूर करनी है कि दिन में 100 मरतबा आप इस्तग़फ़ार ज़रूर करें. और इस्तग़फ़ार ऐसा जिसमें आप ये नीयत करें कि आप अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, और ये जो गलती आपसे होती है या जो भी ऐसा कोई पर्टिकुलर गुनाह है वो आप दोबारा नहीं करेंगे. तो 100 मरतबा आप इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ें. उसके बाद ये एक दुआ है, इन्ना माया रब्बी सैयदीन, मेरी फेवरेट दुआ है. इसका तर्जुमा बहुत खूबसूरत है. ये आप दिल में पढ़ते रहें, चलते फिरते पढ़ते रहें, जितना हो सकता है पढ़ें, हर नमाज के बाद पढ़ें. तो इसका तर्जुमा देखें कितना खूबसूरत है कि बेशक मेरा रब मेरे साथ है और वही मुझे रास्ता दिखाएगा. कितनी बार ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है, ये कैसे रास्ता दिखेगा, हम क्या करें, और कुछ भी समझ नहीं आता, दिल सुकून में नहीं होता है. तो आप क्या पढ़ें, इन्ना माया रब्बी सैयदीन, तो अल्लाह आपको बेशक रास्ता दिखाएगा अगर आप उस पर तवक्कुल करते हैं. ये जो दुआ है ना, इन्ना माया रब्बी सैयदीन, कि मूसा अलैहि सलाम ने पढ़ी थी जब वो समुंदर के पास खड़े थे, तो अल्लाह सुबहान व तआला ने समुंदर से रास्ता बना दिया था. तो जो रब इस चीज़ पे कादर है कि समुंदर से रास्ता बना दे, जो रब इस चीज़ पे कादर है कि आग को ठंडा कर दे, जो रब इस चीज़ पे कादर है कि मछली के पेट से निकाल दे, सोचें, जो रब इस चीज़ पे कादर है कि एक ऐसे शख्स को जिसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में फंस गई हो, जिसे कुएं में फेंक दिया गया हो, जिसे जेल में बंद कर दिया गया हो, जिस पे इल्ज़ाम लगे हो, उसे उसी शहर का, उसी जगह का बादशाह बना दे, जो रब इस चीज़ पर कादर है, तो क्या आपकी परेशानी को दूर करने के लिए कादर नहीं है? हमारी परेशानियाँ कुछ भी नहीं है, बस हमारा यकीन स्ट्रॉन्ग नहीं है. अगर हमारा यकीन स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमारा तवक्कुल हो कि अल्लाह रास्ता बनाएगा, मेरा रब मेरे साथ है, कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम कुछ चीज़ों में ये सोचें कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मुझे गलत नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, नमाज़ें सही करनी है, तो देखिए अल्लाह आपके लिए कैसे रास्ते बनाता है. आप ख़ुद दिखेंगे अपने लाइफ के चेंजेस कि कैसे अल्लाह आपको नवाजता है, रिस्क की परेशानी दूर, और यू नो कोई बीमारी है तो वो दूर, हर एक चीज़ आसान हो जाएगी जब आप दिल से ये पढ़ेंगे इन्ना माया रब्बी सैयदीन, और तवक्कुल रखेंगे और परेशान नहीं होंगे, किसी से मदद नहीं मांगेंगे सिवाय अल्लाह के, क्योंकि मदद करने वाली ज़ात ही वही है. दूसरी दुआ है, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका इस्तगीज़. ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उनको कोई मुश्किल, परेशानी, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाया करती थी तो इस दुआ को पढ़ा करते थे, प्लस सुबह और शाम पढ़ा करते थे. तो आप भी कोशिश करें कि इसे सुबह और शाम पढ़ें, और ये इतनी छोटी छोटी सी दुआएं हैं ना कि कोशिश करा करें कि आप इसे हर नमाज के बाद पढ़ें, चाहे 10 मरतबा पढ़ें, क्योंकि 10 मरतबा पढ़ने से हर दुआ कवर हो जाती है. और ये ऐसी मैजिकल दुआएँ हैं जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. तो जब भी कोई गम, परेशानी, तकलीफ़ हो, या वैसे भी दुआएं ज़रूर पढ़ें, और गम परेशानी ना भी हो तो आप इसे नॉर्मली भी पढ़ते रहें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम तकलीफ़ के वक्त ही
क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के वक्त ही अपने रब को याद करते हैं, हम इतने सेल्फिश है। लेकिन अगर हम आसानी और खुशहाली के वक्त भी अपने रब को याद करें ना, तो मुश्किल का वक्त बहुत आसानी से गुजर जाए या आए ही ना। ये दुआ इतनी खूबसूरत है कि ये हमारे रब का नाम भी है, तो इसलिए ये पावरफुल है। या हय्यू या कय्यूम बिरहमति का इस्तगीस। इस दुआ में हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह तू ही हमेशा रहने वाला है और हम तेरी ही रहमत से हम उम्मीद है हमें और तुझी से मदद मांगते हैं। तो आप इस दुआ को पढ़ते रहें। और जो एक और दुआ है जो मेरी बहुत फेवरेट है, जिसका तर्जुमा मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत आसान है, वो है अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफसी तरफत आईनी वसलहली शानी कुल्ली ला इलाहा इल्ला अंत। इस दुआ में हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी है हमें, हम दुआ भी मांग रहे हैं कि अल्लाह तो हमें अपनी रहमत के ज़रिए हमारे हर एक जो भी मसाइल है, हमारे एक एक चीज़ है, हमारे जो भी अफेयर्स हैं, उन सब चीज़ों को तू संभाल ले, तू ही संभाल ले। हमने हर एक चीज़ अपनी अल्लाह पे छोड़ दी है इस दुआ में और हम यकीन के साथ पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ जो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है इस दुआ के तर्जुमे की, वो ये है कि अल्लाह एक आग झपकने का जो एक वक्फ़ा होता है, इतनी सी देर के लिए भी तू हमें हमारे हाल पे ना छोड़। सी इट इज़ सो ब्यूटिफुल, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम बड़े से बड़ा फ़ैसला, छोटी सी छोटी चीज़ भी हम अपने लिए नहीं सोच सकते। जो अल्लाह हमें नवाजता है बेहतरीन, हम सोचते हैं कि हम जो अपने लिए सोच रहे हैं वो बेहतरीन है, लेकिन नहीं, हमें हर एक चीज़ नहीं नज़र आ रही, हमें हर एक चीज़ नहीं नज़र आ रही होती है। तो हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं कि अल्लाह तो हमें हमारे हाल पर ना छोड़। सो ये कुछ तीन दुआएँ हैं। ये कोशिश करें कि आप अपने ज़िंदगी का मामूल बना लें और परेशान ना हो। जो परेशानियाँ होती हैं, आजमाइशें होती हैं, ये हम सबकी ज़िंदगी में आती हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, चाहे वो बहुत मालदार हो, जो परेशान ना हो। हर किसी को कुछ ना कुछ परेशानी है। बस हमें खुद के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआएं करनी है, अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे, और अल्लाह पर यकीन करना, अल्लाह से दोस्ती करनी है। तो देखें अल्लाह आपका कैसे हर एक चीज़ में आसानियाँ करता है और कैसे रास्ते बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।